आज हम बनाने जा रहे गर्मियों का स्पेशल आटे का लड्डू इसके लिए हमने आटा लिया कढ़ाई ली है इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा घी घी इस लड्डू में घी का यूज़ बहुत ही कम करेंगे इसलिए हम इसमें थोड़ा ही घी डाल दें हमने इसमें टोटल छोटे चम्मच से चार चम्मच घी डाला है उसके बाद हम इसमें डालेंगे आधी कप सूजी सूजी को हम अच्छी तरह भुनने देंगे हमने मार्केट का आटा लिया है आप अगर मोटा आटा ले रहे हैं तो आप इसमें सूजी को स्किप कर सकते हैं हम हमने पैकेट वाला आटा लिया इसमें हम थोड़ा सूजी डालते हैं आधी कप आधी कप सूजी को अच्छी तरह भून लेंगे ये सूजी जब अच्छी तरह भून जाएगी इसके बाद देख सकते हैं हमारी सूजी ने घी छोड़ दिया है ये भून चुका है फिफ्टी परसेंट भून चुका है इसको हम आधी भूनने के बाद ही हम इसमें डालेंगे एक कप आटा एक कप आटा हमने डाला है और इस आटे को भी हम लो फ्लेम पर दस से पन, इसे भूनने में टोटल नौ से दस मिनट आपको लगेंगे आप लो फ्लेम पर ही भूनें जिससे हमारा आटा अच्छी तरह भुनेगा और इसके लड्डू भी बहुत ही अच्छे बनेंगे इस आटे में हमने बहुत ज़्यादा घी का इस्तेमाल नहीं करना है हम ये लड्डू गर्मियों के लिए बना रहे हैं गर्मियों में थोड़ा घी कम डालने से चलता है अगर हम सर्दी में इस लड्डू को बनाते तो घी थोड़ा ज़्यादा डालते इस तरह से हम आटे को अच्छी तरह भून लेंगे इस आटे को भूनते हुए हमें थोड़ा थोड़ा घी बीच में हम ज़रूरत लगेगी तो हम डालेंगे देख सकते हैं हमारा आटा बिल्कुल लाल हो चुका है भून चुका है इस आटे को भूनते हुए हमें लगभग छः से सात मिनट हो चुके हैं अब आटे में हम डालेंगे थोड़े थोड़े करके दूध दूध हमने जिस कटोरी से कप से हमने सूजी ली है उसी कप से एक कप हमने दूध लिया है दूध को हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे इस तरह से मिक्स करने से हमारा आटा भी पक जाएगा और हमारे दूध का टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा इसे धीरे धीरे मिक्स करते हुए और हम हाँ चम्मच से दबाते हुए जिससे इसमें गुठलियाँ ना बने और इसे अच्छी तरह हम भून लेंगे मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी अब हमने जो एक कप दूध डाला था उसके बाद हम थोड़ा सा घी इसमें और डालेंगे और इसे अच्छी तरह फिर से भूनेंगे इसके भूनने इस तरह भूनने से हमारा जो दूध का कच्चापन है वो चला जाएगा और हमारी जो लड्डू है वो बहुत दिन तक रहेगा इसे बिना हम फ्रिज में रखे हुए एक महीने तक हम डब्बे में रख के आराम से खा सकते हैं लड्डू हमारे जल्दी ख़राब नहीं होंगे इस तरह से हम भूनते हुए हमें पन आठ से दस मिनट हो गए हैं अब हम इस आटे को और थोड़ा भूनेंगे उसके बाद आप देख सकते हैं हमारा जो आटा है वो बिल्कुल मोटा दरदरा हो चुका है जो सूजी और दूध के वजह से ऐसा हुआ है अब हम इसे दो मिनट थोड़ा हाई फ्लेम पे भून लेते हैं जिससे इसका कलर बहुत ही अच्छा आ जाएगा ब्राउन कलर अब हमारा आटा भून चुका है अब हम इस आटे को एक बर्तन में निकालेंगे अब इस आटे को एक बर्तन में निकाल कर इसे ठंडा होने दे इसे पूरी तरह ठंडा नहीं होने देना है हमें इसे नाइन्टी परसेंट ठंडा करना है अब हमने लिया है खीरे का बीज और इसे अच्छी तरह भून लेंगे भूनने के बाद जब ये चटकने लगेगा तो हम इस लड्डू में मिला देंगे इस तरह से आप इसमें क्रंच बहुत ही अच्छा आता है इसलिए हम इसे डाल रहे हैं हमने इसको भूनने में कोई भी घी तेल का यूज़ नहीं किया हमने इसे ऐसी खाली कढ़ाई में भूजा है आप देख सकते हैं कि हमारा लड्डू अच्छी तरह ठंडा हो रहा है अब इस लड्डू को ठंडा हो चुका है अब हम इसमें थोड़ा घी और डाल इसमें हमने चीनी नहीं डाला है अब हम इसमें डालेंगे चीनी का पाउडर और हमारा नाइन्टी परसेंट यह ठंडा हो चुका है अब चीनी के पाउडर को हम अच्छी तरह हाथों की सहायता से दबा दबा कर मिलाएँगे और इससे हमें ये भी पता चलेगा कि हमें इसमें और बांधने के लिए घी की ज़रूरत है कि नहीं हम थोड़ी थोड़ी घी और डालते जाएंगे हम इसमें बहुत ज़्यादा घी नहीं डालेंगे धीरे धीरे करके थोड़ी थोड़ी डालेंगे और इस तरह हम लड्डू बना करके देखेंगे अगर लड्डू बनता है तो हम इसे और घी नहीं डालेंगे अगर नहीं बनता है तो हम फिर इसमें थोड़ा सा घी और ऐड करेंगे इस तरह से देख रहे हैं हमारे लड्डू टूट जा रहे हैं इसमें हम थोड़ा सा दो और एक से दो चम्मच हम घी डालेंगे इस तरह से आप चेक करके बनाएं जिससे आपके लड्डू बहुत ही अच्छे बनाएंगे देख सकते हैं अब इतना घी डालने के बाद हमारा लड्डू अच्छी तरह बनने लगा है और हम इस लड्डू को हाथों की सहायता से दबा दबा कर बांध करके एक प्लेट में रख देंगे इस तरह से हम सारे लड्डू को तैयार कर लेंगे और ये हमारे आटे के लड्डू खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और ये बहुत ही हेल्दी होते हैं आप देख सकते हैं हमने सारे लड्डू बना लिए हैं हमारे एक कप आटे से इतने लड्डू बने इस तरह से आप लड्डू बनाकर खाएं और ज़रूर बताएं मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद